السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. Allah subhanahu wa ta'ala se dua hai ki Allah subhanahu wa ta'ala Arafah ka din hai aur Allah subhanahu wa ta'ala sab ko bakhsh rahe hain aur ye aisa din hota hai jis din Allah subhanahu wa ta'ala bahut razi hote hain apne bandon se aur bahut sari katne jahannam se chhoot jati hain. To Allah ta'ala se dua hai ki Allah ta'ala hamara naam un logon mein likh de jinki gardan Allah ta'ala ne jahannam se chhuda di aur jinke liye jannat wajib kar di. Aur Allah subhanahu wa ta'ala jab kisi cheez ko likh dete hain to unke kalimat ko koi nahi badal sakta. और ये बात याद रखने की है मेरी प्यारी बहनों कि हम हर चीज के लिए अल्लाह के मोहताज हैं. जब जिंदगी में हम बहुत रूटीन काम करने लग जाते हैं ना, और हमारी जिंदगी रूटीन पे गुजर रही होती है, मशीनी तौर पर उठना, सफाई करना, खाना पकाना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, वापस लाना, अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल हम मशीनी बन जाते हैं. हमारी इबादत भी मशीनी हो जाती है, हमारे एक्शंस हो जाते हैं, उसमें दिल और जज्बात का फुकदान हो जाता है, लाइक मिसिंग चीज हो जाती है, जज्बात नहीं होते उसमें, रियलाइजेशन नहीं होती कि हाउ फ्रेजाइल माय लाइफ इज, मेरी जिंदगी कितनी नाजुक है और किसी भी वक्त मेरे मेरे से ये छीन ली जाएगी और मैं बिल्कुल लोगों के लिए बेकार हो जाऊंगी और फिर वो लोग मुझे जमीन में दफन कर देंगे, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा, चाहे वो उनसे कितना भी प्यार करते हैं, कितना भी प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हैसियत रखती. अब जबकि मेरी रूह निकल गई है तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूं और उन्होंने मुझे जमीन में दफना ही देना. ये जब तक अपनी आखिरत की याद और सोच बार बार हम अपने दिल के अंदर लाएंगे नहीं, तब तक आजजी नहीं आती, तक रियलाइजेशन नहीं आती कि मेरी हैसियत क्या है इस दुनिया में. और जब हम अपनी मौत को याद करते हैं तब हमें अपनी बेबसी फील होती है कि अल्लाह सुबहान तआला कितनी दुनिया हमारे आसपास मौजूद हो, हम पे पैसा लुटाने वाली हो, हमसे मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन वो हमें जिंदगी नहीं दे सकती. आप जब हमें ले जाने लगेंगे तो वो हमें पलटा के दुनिया में वापस नहीं ला सकेंगे. तो जरूरी नहीं कि उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत का एहसास हो. इस दिन दुनिया में, जिंदगी में जब जान है, रूह है जिस्म के अंदर, उस वक्त बंदा ये रियलाइज कर ले और अपनी बेबसी को महसूस करे. हम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते, हम अपने आप को जिंदगी नहीं दे सकते, हम अपने आप को खुशी नहीं दे सकते. कितनी चीजें होती हैं लोगों के पास, बच्चे होते हैं, दौलत होती है, लेकिन उनके दिल में खुशी नहीं होती, वो उदास रहते हैं, वो डिप्रेस रहते हैं. डिप्रेशन में से निकालने के लिए उनको दवाइयां और डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, हालांकि सब नेमतें मौजूद होती, नहीं कोई दे सकता खुशी जब तक अल्लाह ना दे. तो चीजें और पैसा और लोग खुशी नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना दे. इत्मीनान नहीं मिल सकता जब तक अल्लाह ना दे. तो ये बातें हम अगर समझ जाए तो हमारे रास्ते बड़े दुरुस्त हो जाए कि हम हर चीज के लिए, हर चीज के लिए अल्लाह के मोहताज हैं. हद तक कि अपनी नियतों के लिए, नियतें भी हमारे काबू में नहीं है, वो तो हमने खुद करनी है ना, उस पे भी हमारा काबू नहीं चलता और वो भी फिसल जाते हैं. हम अल्लाह के लिए करते 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 वो रूटीन में आ जाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि किस वक्त नियत खराब हो गई और काम गड़बड़ कर दिया और लोगों के दिखावे का कर दिया, लोगों से शाबाशी लेने के लिए कर दिया, लोगों की तारीफ के लिए कर दिया और सारी मेहनत सब कुछ जाया हो गया. इसलिए हम क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जाल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वजअल वला तजअल लिअहदिन फीही शैया. अल्लाह मेरे हर अमल को नेक बना दे और मेरी नीयत को खालिसतन अपने वजह के लिए रख और उसमें किसी एक का भी हिस्सा ना डाल. ये भी भिखारी बन के हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हमारा तो जोर अपनी नियत पे भी नहीं चल रहा. जिसम हमारा नहीं है,
हम इसको पकड़ नहीं सकते, इसको दुरुस्त नहीं कर सकते। नियतों के लिए हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं, अंजाम के लिए, काम के लिए, हर चीज के लिए अल्लाह के मोहताज हैं। अब देखिए, जब हम दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, लेकिन उसके लिए हम अल्लाह के मोहताज। हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह ताला आप हमारी मदद कीजिए, और अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बरकतें नाजिल करें। हम हर चीज के लिए अल्लाह के मोहताज हैं। ये चीज हमने ये समझनी है। जब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी फैमिली में भी हमारी मेरे हस्बैंड की नीस यंग बच्ची, उसकी अचानक डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो यानी हम अल्लाह सुबहान तआला के फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर होता है हमारे लिए, हम किधर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी किन कामों में लगी हुई है, क्या हमें पता है कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, हम क्यों इधर आए हुए हैं, किन कामों में हम अपनी जाने खपा रहे हैं और किन चीजों में खपानी चाहिए थी। बेसिक मकसद को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ये वक्त अल्लाह सुबहानो ताला ने एक कैपिटल की सूरत में हमको दिया हुआ है, ये पैसा है, ये दौलत है, इसको हमारे हाथ में दिया हुआ है और कहा है कि इसको इन्वेस्ट करो। और हम में से हम क्या करते हैं, उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि बड़े बड़े कामों में इन्वेस्ट करो। हम समझे कि डॉलर स्टोर की चीजें लेके और उसपे अपने सारे पैसे कपा देते हैं, ना उनकी कोई वैल्यू और ना उसकी रीसेल वैल्यू, और ना वो कारामत और ना वो देर पा, कच्ची चीजें, बेफायदा चीजें, खराब होने वाली चीजें, और इस काबिल भी नहीं है कि उसकी कीमत लगा सकें। ऐसा नहीं करना, हमने अपनी जिंदगी की कदर करनी है। एक एक लम्हा बहुत बहुत कीमती है। हमें नहीं पता कि कौन सा सांस हमारा आखिरी है, कौन सा नवाला हमारा आखिरी है, कौन सा पानी का घूंट बस आखिरी है, उसके बाद फौरन के फौरन ही आके ले जाएंगे हमको। और किसी की मोहब्बत हमें रोक नहीं सकेगी, कोई दौलत हमें वापस पलटा नहीं सकेगी। और आज का दिन तो बहुत ही आजी करने का है अल्लाह सुबहाना ताला के आगे कि या अल्लाह तू हमें बख्श दे, बस हमारी आसानी कर दे, क्योंकि गुनाह जो होते हैं वो पाइल अप होते रहते हैं। छोटे गुनाहों को जब हम रिपीटेडली करते हैं तो वो कबीरा गुनाह बन जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा, छोटे गुनाहों को छोटा ना समझो, कि जब छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाती हैं तो बड़े बड़े अलाव जल जाते हैं। तो छोटे छोटे गुनाहों से भी जहन्नुम की आग भड़कती है। नहीं करना चाहिए, रियलाइजेशन करनी चाहिए, थॉटफुल जो प्रोसेस है वो जारी रहना चाहिए। एवरी सिंगल डे हम सोचना चाहिए कि हमने क्या आज अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं दिलों की नरमी का, ये इसीलिए है कि हमारे दिल के अंदर वो फीलिंग तो अल्लाह सुब्हान तआला डाल दे। हम लोगों को दुआ देते हैं ना, हजारों बरस जियो, नहीं जी सकता कोई हजारों बरस। ऐसी दुआ दे जो उसके काम की है। ये प्यार में आके दुआएं देनी हजारों सालों की, उससे बेहतर ये दुआएं कि अल्लाह ताला जितनी जिंदगी तुम्हें बच्चे दी हुई है वो नेकियों वाली हो, वो ईमान वाली हो, अल्लाह ताला की रजामंदी वाली हो। तो लंबी जिंदगी की दुआ देनी, ये नहीं कह रहे कि ना दे, लिख दे, मगर उसके साथ ये जरूर जोड़े कि ईमान वाली जिंदगी हो। क्योंकि ये जो बची गई है, आप यकीन करें कि सब लोग तारीफ कर रहे हैं, माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी निशानी है, कितनी प्यारी निशानी है कि अपने ससुराल वाले तारीफ कर रहे हैं। थोड़ा अरसा हुआ था उसकी शादी को, उसके ससुराल वाले तारीफ कर रहे हैं, अपने मामू चाचा खाला फूफिया सब तारीफ कर रहे हैं, इतने प्यारे दिनों में गई है। और हमारा गुमान अल्लाह सुबहान तआला से अच्छा है कि अल्लाह सुबहान तआला ने जरूर उसकी अच्छी मेहमानी की होगी। लेकिन ये चीजें हमने बहुत रियलाइज करनी है कि हमारे जुबान के ऊपर क्या चीजें आती हैं, क्या दुआएं हम देते हैं। और
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें ये जो हम हदीस पढ़ रहे थे कि किसी ने पूछा था कि गुनाह क्या है, तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे उसको छोड़ दो। और उन्होंने पूछा कि ईमान क्या है, तो रसूल सल्लम ने फरमाया जब बुराई तुम्हें दुखी कर दे और भलाई तुम्हें खुश कर दे तो तुम मोमिन हो। यानी अंदर का क्राइटेरिया दे दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाहर की चीजों की बजाय अंदर अपने अंदर से पूछो, तुम्हारा अंदर तुम्हें बताएगा कि क्या चीज गुनाह है और क्या चीज अच्छाई है। तो एक क्राइटेरिया दे दिया ना कि इससे पहले कि किसी से पूछे बंदा खुद ही एक फील करे। और इसके लिए मेरी प्यारी बहनों अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। गंदे कपड़े के ऊपर कितने भी दाग लग जाएं नहीं नजर आते, लेकिन जब कोई कपड़ा सफेद होता है साफ होता है तो उसके ऊपर छोटा सा डॉट भी इंसान को दूर से नजर आ जाता है। तो जब हमारे दिल की सफाई हुई होगी तो ही तो हमको गंद नजर आएगा ना। लेकिन जब हम रिपीटेडली ऐसे काम करते रहते हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि क्या गलत और क्या सही है, तो फिर हमारा दिल कैसे सही बात को सही बताएगा और बुराई को बुराई बताएगा? कैसे हो सकता है जब हमारी जिंदगियों में झूठ इतना आम हो कि हमें पता ही ना चले कि झूठ झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात है। अल्लाह ताला नहीं पसंद करता झूठ बोलने वालों को, लेकिन छोटी बड़ी बात में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, ससुराल के साथ, हस्बैंड के साथ, बहन भाइयों के साथ झूठ 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 बोल बोल के झूठ का वो डर और खौफ कि अल्लाह ताला की नाराजगी मोल ले रहे हैं, वो तो चला ही गया। अगर वो चला गया तो फिर अब क्या पता चलेगा? झूठ के साथ और भी कोई चीज आ गई, बेईमानी आ गई, चुगली आ गई, हीबत आ गई, कुछ भी आ गया, कैसे पता चलेगा कि गलत कर रहे हैं? ऑलरेडी गंदे कपड़े के ऊपर डॉट्स लग रहे हैं, नहीं समझ आएगी। जब तक अपने दिल को साफ नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह ताला से दुआ नहीं करेंगे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरजुकना तिबाहू, अल्लाह आप मुझे ये एबिलिटी दे दें, आप मुझे ये तौफीक दे दें कि मैं हक को हक देखूं, जो अच्छी और सच्ची चीज हो मुझे सच्ची नजर आए, और मुझे तौफीक दें कि मैं फिर उसको एडॉप्ट भी करूं, मैं उसके ऊपर अमल भी करूं, कि इन दोनों चीजों के लिए मैं आपकी मोहताज हूं, एबिलिटी टू सी एंड रियलाइज एंड एबिलिटी टू एक्ट अपॉन इट। वारिनल बातिला बातिलम वरजुकना इज्तिनाबा, अल्लाह ताला मुझे ये एबिलिटी देखें कि कोई गंदी और बातिल और आपकी नापसंदीदा चीज मुझे नापसंदीदा ही नजर आए, और मुझे ये तौफीक दें कि मैं उससे इज्तिनाब करूं, मैं उससे रुकूं, मैं उसको अवॉइड करूं, मैं उसको छोड़ दूं, और इन दोनों चीजों के लिए मैं आपकी मोहताज हूं। तो हमारी दुआएं जो है ना वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। सारे लोग अपनी दुआओं को देखें, आपकी दुआएं क्या हैं? अगर तो आप दुनिया बहुत मांगते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि लोगों में से कुछ है जो कहते हैं रब्बना आतिना फिर दुनिया वो माला वो फिल आखरत मिन खलाक, वो जो बंदा दुनिया 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 मांगता रहता है आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं है, दे देगा अल्लाह उसको दुनिया। वमिनहुम मन यकुलू रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाब अन्नार, अल्लाह ताला कहते हैं। और कुछ उनमें से ऐसे हैं जो क्या कहते हैं अल्लाह दुनिया में भी हसना दे आखिरत में भी हसना दे और हमें आग के अज़ाब से बचा ले, तो उनके लिए हिस्सा है, दोनों जगह उनको मिल जाएगा। अकलमंदी तो इसी में है। अगली हदीस पढ़ते हैं। अन नवास इब्न समान नल अंसारी قال سيدنا نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن البر والاثم، نیکی اور گناہ کے بارے میں۔ جسٹ امیجن کہ ان کے سوال کیسے ہوتے تھے، ان کو اپنے عمل کی فکر تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل سوال کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت جبرائیل کے بارے میں سوال، ये यहाँ ये क्यों हुआ था, ऐसी चीजें जिनसे हमारे अमल का कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमें पता भी चल गई तो हमारे अमल का कोई हमारे हम अमल के बारे में कंसर्न ही नहीं है।
हम गैब की बातों को जानने की कोशिश करें, अमल की बातों। और सहाबा को आप देखेंगे कि वो अमल की बातों में बहुत तेज थे, उनको ये पता करना था कि क्या मैं करूं तो सही है तो, और क्या चीज गलत है। फकाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी हुस्ने अखलाक है, अच्छे अखलाक का नाम है। अब सब एक दूसरे से अपने अपनी जात से पूछें कि मेरे पास हुस्ने अखलाक है, मेरे पास अच्छा अखलाक है, मैं किस चीज के लिए मशहूर हूं, लोग मुझे किस तरह देखते हैं, क्या इंप्रेशन है लोगों के ऊपर मेरा, क्या वो सोचते हैं। अगर मैं वैसे अपने दिल से, और कभी पूछ भी लिया करें, लोग बता देते हैं कि अखलाक के क्या हालात है। अगर लोग कोई आपको इरिटेट करते हैं और आप एकदम बिलबिला कर उनको अच्छा सा टिका के जवाब देते हैं, तो ये हुस्ने अखलाक नहीं है। कयामत के दिन सबसे भारी चीजों में, जो भारी चीजें होंगी ना, हर चीज, हर बंदे को भारी चीज चाहिए होगी अपने मीजान में रखने के लिए, कि नेक अमल भारी हो, कि हमारा पलड़ा जो है नेकियों का भारी हो जाए। तो उस दिन हुस्ने अखलाक बहुत भारी चीज होगी नेकियों में, और ये बहुत जरूरी चीज है। अभी हमारे अलहुदा में हमारी क्लास थी, तो वो एक खातून आई इस्लाम कबूल करने के लिए, बूढ़ी औरत थी, और उनसे जब पूछा कि आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ इस्लाम में, तो उन्होंने ये कहा कि इनकी बातें सुन के, इनका अखलाक देख के, वो मियाँ बीवी जो थे उनको चाय पे बुलाते थे, उनसे बातें करते थे, उनको खाने पे बुलाते थे, उनकी मदद करते थे, तो उनके अखलाक से मुतासिर होकर उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इस्लाम में। सबसे पहली सीढ़ी जिसकी वजह से उसने इस्लाम में दाखले की पकड़ी, वो उसने अखलाक था। तो जैसे आई डोंट नो कि किसने ये कहा था कि सबसे बेहतरीन रिलीजन इस्लाम और सबसे बुरे फॉलोअर्स मुसलमान, नाउज बिल्ला। यानी जनरलाइजेशन तो नहीं करनी चाहिए कि सारे के सारे बुरे हैं, लेकिन ये कि मुसलमानों में रिश्वत और झूठ और चीटिंग और इस तरह की बातें आ गई जिससे वो इस्लाम को बदनाम कर देते हैं। और हुस्ने अखलाक की कोई चीज नजर नहीं आती जनरल पब्लिक में, कि हर एक बंदा जिधर की हवा चल रही है उधर को हो गया। अगर बाकी अदियान के लोग या बुरे लोग, यानी जो दीन इस्लाम में नहीं है, वो अगर कोई ऐसा तरीके अख्तियार कर रहे हैं कि बुराई का बदला बुराई से दो, तो हमने उनको फॉलो करने की बजाय, और ये कहने के बजाय कि जमाना बहुत खराब हो गया है, हमने तो इसी तरह जीना है, झूठ बोलकर ही जी सकते हैं, झूठ बोलकर ही कारोबार चला सकते हैं, लोगों के सरों पर पैर रख कर ही आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, कि उन लोगों के स्लोगन्स हैं जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है। हमने ये नहीं करना, हमारा ईमान क्या कहता है, जिसको अल्लाह ने रिस्क देना है, किसी को किसी के सर पर पैर रखने की जरूरत नहीं है, रिस्क उसको उसका मिल जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, जो उसके मुंह में और जो उसकी पॉकेट में जाना है वो किसी और को नहीं मिलेगा, अल्लाह ने लिख दिया हुआ रिस्क, वो मिलकर रहेगा। किसी को धोखा देने की और झूठ बोलने की जरूरत नहीं, या किसी का हक मारने की जरूरत नहीं, अल्लाह सुबहाना तला खुद से दे देगा, यह हमारा ईमान है। फिर हुस्ने अखलाक शुरू हो जाएगा ना, कि जैसे दो दुकानें, एक दुकान बहुत चल रही थी और दूसरी दुकान बिल्कुल वैसी जैसी थी, तो उसने क्या कहा, वो आदमी आया और उसने लेने लगा, तो उसने कहा कि भाई यही चीज उस दुकान वाले के पास भी, आप उधर से जाके ले लें। तो उसने कहा आपने ऐसा क्यों कहा, मैं आपकी दुकान से लेने लगा था, आपको फायदा होता। उसने कहा नहीं, मेरे पास बहुत ग्राहक आते हैं और उसके पास नहीं आते, मेरा दिल दुखता है, आप जाके उधर से ले लें। तो ये हुस्ने अखलाक कहाँ से आया, जब आपको ये यकीन हो कि मुझे मेरा हिस्सा मिलकर रहेगा। तो जरा सा इसके बारे में गौर करें कि नेकी हम क्या किस में ढूंढते हैं, सदका खैरात में ढूंढते हैं, सारी इधर उधर, इधर पैसा दे दिया, उधर ये कर दिया, वो कर दिया। अगर अखलाक नहीं है तो फिर नेकी का वो तसव्वुर नहीं सही सच्चा हमको पहुंचा। यानी अगर आप किसी को तोहफा भी दे रहे हैं और आपके माथे पे बल है,
और आप एहसान जता रहे हैं, तो वो दूसरा बंदा दिल से क्या कह रहा होता है, इस तोहफे से बेहतर है कि मैं ना तोहफा लेता ना आपको देखता। आप इसको भी अपने पास रखो, दिल से तो यही कह रहा होता है, लेकिन उसको पता होता है कि अगर ये मैं लूंगा नहीं तो इससे भी बड़ा फसाद हो जाएगा। तो असल में नेकी ये है कि आपका अखलाक अच्छा हो। अच्छा, अच्छे अखलाक का ये भी नहीं मतलब कि कोई अल्लाह की नाफरमानियों पे नाफरमानियां कर रहा हो और आप उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हो। अखलाक ये है कि जब कोई बुराई कर रहा हो, इतनी हिकमत के साथ उसको बुराई का एहसास दिला देना और उसकी आखिरत को बचाने का सबब करना, और जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तारीफ करना, उसकी हौसला अफजाई करना और उसकी अच्छी बात लोगों के साथ करना। अगर कोई जुल्म कर रहा हो तो उसका हाथ पकड़ना, ये उसने अखलाक होता है। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, यानी अब एडिशनल चीजें बता दी इधर। पिछली हदीस में क्या था कि तुम्हारे दिल को जो खटके वो बुराई है और तुम्हारे खुशी दे दे वो ईमान है। अब और चीजें बताई जा रही है, कैसे तुम पहचानोगे कि तुम अच्छे इंसान हो और तुम सही काम कर रहे हो। वल इस्मु मा हाका फी सदरिका, और गुनाह जो है वो क्या करता है, तुम्हारी दिल में खटक पैदा करता है, तुम्हारे दिल को बेचैन करता है, दिल सुकून में नहीं रहता, गुनाह करके दिल सुकून में नहीं रहता। वह करीहता, और निशानी क्या है, एक और निशानी, वह करीहता अन्यत पलिया अलैहिन नासु, और तुम्हें इस बात की कराहत हो, नागवारी हो, नापसंद हो कि ये चीज लोगों को पता चल जाए। अब गुनाह की डेफिनेशन देखे ना कैसी पता चल गई, अंदर की भी बता दी और बाहर की भी बता दी। दिल के अंदर खटक रहा है और बाहर से तुम्हें ये डर है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए, ये एक्स्ट्रा साइन है ऑफ गुनाह। तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सा, यानी मेरी प्यारी बहनों, लोगों के सामने हम कितना ज्यादा अपने इमेज बना के रख लें, कितना ज्यादा उनको इम्प्रेस कर लें, और इससे हमको खुशी नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह हमसे राजी नहीं होता, जब तक अल्लाह राजी नहीं होता। वरना सारी जिंदगी हम उस लिबादे को बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे और ये रियलाइज नहीं करेंगे कि अंदर से खोखले हैं, जैसे जिस्म होता है ना इंसान का, और वो तब तक करामत है तब जब तक उसके अंदर रूह है, जब रूह निकल जाती है तो वो जिस्म बेकार हो जाता है। इसी तरह एक नेक अमल जो है उसके अंदर उसकी रूह क्या है, खालिस नीयत अल्लाह के लिए, अगर वो नहीं है तो वो बेकार है, वो खोखला है, वो इस काबिल नहीं है कि ये उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता इंसान। तो अल्लाह सुबहाना ताला से ये जरूर दुआ करें कि अल्लाह सुबहाना ताला हमें ये एहसास दे दे और हमें ये एहसास हमारा जागा रहे, हमारे आसपास ऐसे लोग दे अल्लाह ताला जो हमारे मददगार हों, जो हमें बुराई को बताएं कि ये बुराई है हम कर रहे हैं, हमें थापिया ना देते रहे, हमें वैसे ही खुश ना करते रहे कि तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा किया जो तुमने ताना मारा, वो औरत इस चीज को डिजर्व करती थी, अच्छा किया जो तुमने उनके साथ ताल्लुक तोड़ लिया, वो यही डिजर्व करते थे, अच्छा किया जो तुमने झूठ बोला वरना तुम फंस जाती। ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं हमको चाहिए जो हमें शाबाशियां देते देते जहन्नुम के किनारे पे पहुंचा दें। इससे बेहतर वो लोग हैं जिनकी बात हमें बुरी लगे, बुरी लगती है टीके की तरह, जैसे इंजेक्शन लगता है ना, और इंजेक्शन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सुई जिस्म के अंदर चुभे, लेकिन वो फायदेमंद है। जब बीमार होता है इंसान तो उसको सर्जरी चाहिए होती है, उसको इंजेक्शन चाहिए होता है, हालांकि वो नागवार है। इसी तरह ऐसे दोस्त और अहबाब और आसपास हमारी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो हमें बुराइयों के ऊपर मुतनबे कर दे, अलर्ट कर दे, तुम्हारे अंदर ये खराबी पैदा हो रही है, इसको दुरुस्त करो, ये अच्छी चीज नहीं है। और चाहे वो हमको बहुत बुरी बात लगे, लेकिन वो हमारे फायदे की है और हमें जन्नत के रास्ते पर धकेल के उधर उस रास्ते पर डाल देगी। अगली हदीस है, अन अनस इब्न मालिक अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा,
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ، جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں جب اس کی ٹرانسلیشن میں کر رہی ہوتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا کہ اردو کے ورڈز ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے عربی اگر آپ دھیرے دھیرے سمجھنے لگ جائیں گے اور اس کو اردو کے ورڈز کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ اردو عربی اور فارسی سے مل کے بنی ہے اور موسٹلی عربی کے ورڈ ہیں. تو آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے اپنی لینگویج سے اور پھر آپ ریئلائز کریں. اور کتنا مزہ آتا ہے یہ سوچ کے، ادھا جب ارادہ، ارادہ کرتا ہے، ارادہ تو آپ کو پتا ہے نا، اللہ، اللہ تعالی. کبھی بھی عربی میں کسی اسم کے آخر لیٹر کے اوپر اگر ضمہ ہو تو وہ ڈوئر ہوتا ہے، وہ فاعل ہوتا ہے، کرنے والا، ٹھیک ہے نا. تو جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی بعبدن، سات بندے کے، عبد کا، اب تو ہم یوز کرتے ہیں نا اپنے اپنی زبان میں، عبداللہ نہیں کہتے، اللہ کا بندہ. تو بعبدن، سات بندے کے، خیرن، کوئی خیر، کسی خیر کا، کسی بھلائی کا. ہم بھی تو کہتے ہیں نا خیر کے کام. تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر دیتا ہے؟ یستعملہو، وہ استعمال کر لیتا ہے اس کو. اب استعمال بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ورڈ ہے، یوز کر لیتا ہے اس کو، استعمال کر لیتا ہے اس کو. قیلا، کہا گیا، کیف یستعملہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے وہ استعمال کرتا ہے اس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، کس طریقے سے استعمال کرتا ہے اس کو. قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوفق ہو، وہ توفیق دے دیتا ہے اس کو. اب یہ ورڈ بھی آپ یوز کرتے ہیں ہے نا، توفیق دے دیتا ہے اس کو، لعمل صالح، نیک عمل کے لیے. عمل صالح کا ورڈ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. کب؟ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کاموں کی صلاحیت دے دیتا ہے، مواقع دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ابیلٹیز دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، وقت کی، صحت کی، جوانی کی، عقل کی، انٹیلیجنس اور ابیلٹی، ٹیلنٹ، سب کے پاس ہے نا کوئی نہ کوئی. تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنی ایجوکیشن کس کام میں لگا رہے ہیں، کیا ڈائریکشن ہے ہماری، کیا فوکس ہے ہمارا، ہم ان سب چیزوں کو کس میں لگا رہے ہیں. اگر تو صرف اور صرف دنیا کے لیے لگا رہے ہیں تو بہت الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، ایور لاسٹنگ جرنی کے اوپر ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا نا، ڈالر سٹور کی چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی، پیسہ اس پہ خوب لگ جاتا ہے، ڈھیروں ڈھیر پیسہ لگ جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو استعمال کرنے پہ ہوتا ہے تو وہ 2 منٹ پہ ٹوٹ کے پرے ہوتی ہے، زیادہ دیر آپ کا ساتھ نہیں دیتی. دنیا بھی ایسے ہی ہے، بالکل فانی، بیکار، آپ سے وفا نہیں کرے گی، وفا نہیں کرتی. جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو روتی نہیں ہے کہ تم چلے گی ہو، میرا کام نہیں چلے گا، اور بہت سارے بندے ہیں جس سے اس کا کام چلے گا. یہ ہم نے خود اپنی آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمارے بغیر کوئی کام نہ چلے، لوگ یاد کریں ہم کو کہ اللہ، یہ عورت ہوتی تھی تو یہ کام ہو جاتا تھا، یہ کام ہو جاتا تھا، اچھے مشورے مل جاتے تھے، مدد مل جاتی تھی. کوئی ہم نے ایسی اپنے آثار چھوڑ کے جانے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے لوگ بھی ہم کو اچھے الفاظ میں یاد کریں اور وہ ہمارے لیے آگے بخشش کا سبب بنے. تو ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کس طرح سے اپنی ابیلٹیز کو استعمال کر رہی ہوں. ہر زندگی کا جو نا، اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں تو باہر جاتی کوئی نہیں، میرے لیے تو کوئی ایسے مواقع ہی کوئی نہیں ہے، دوسرا کہے میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں کہ میں صدقہ خیرات کروں، میں تو یہ نہیں کر سکتی، تیسرا کہے میرے پاس تو
औलाद कोई नहीं कि मैं उसको सदका जारिया बना सकूं। हर बंदे को अल्लाह ताला ने ऐसे मैदान दिए हुए हैं जिस मैदान में वो कोई ना कोई नेकी कर सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए नेकी का कोई मौका ही नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में आप वो काम कर सकते हैं। हमारी फैमिली की एक बच्ची है और उसके उसकी औलाद नहीं। सुबहान अल्लाह कि अल्लाह सुबहान तआला ने उसको ऐसी तौफीक दी है कि उसने एक स्कूल बनाया अपनी खाला की मदद के साथ। गली मोहल्लों में जो गरीबों के बच्चे थे जो रुल रहे होते थे, सारा दिन खेलते थे गंदे बंदे, उनको नहला धुला के उनको साफ यूनिफॉर्म पहना के कुरान उसके स्कूल में चलता है, कुरान पढ़ाते हैं, उनको अदब सिखाते हैं, उनको दुनिया की तालीम सिखाते हैं, दुआएं सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं। वो कहते हैं कि इस कदर अदब वाले वो बच्चे हैं, इतने रिस्पेक्टफुल वो बच्चे हैं, माशाल्लाह। फ्री में वो स्कूल चल रहा है और उसकी अपनी औलाद थी, लेकिन उसने कितना बड़ा सदका जारिया का काम किया। यानी आपने खुद से सोचना है कि कौन सी चीज को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूं, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ले। कभी हम शादी पे होते हैं और शादी बड़ी खराब चीजों वाली होती है, आप उसमें से अच्छा नहीं, इसमें अच्छी बात क्या बता सकती हूँ मैं, क्या लोगों को अच्छा काम करके दिखा सकती हूँ मैं, किसी की खिदमत कर सकती हूँ मैं, किसी से अच्छी बात कर सकती हूँ, किसी की दिलजोई कर सकती हूँ। ये नहीं कि हाथ पे हार रख के तो आपके मैं तो बेबास हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, अपने आप दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें कि मैंने अपने लिए क्या आसार छोड़ने हैं, मैं कब्र में जाने से पहले क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मैं बहुत जल्दी भाग दौड़ में मैंने ये काम करने हैं। मैंने नेकियों का इंतजार नहीं करना, मैंने नेकियों को ढूंढना है। आप किसी भी जगह चल फिर रहे हो, किसी जगह डॉक्टर के ऑफिस में बैठे हो, कुछ कर रहे हो, किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। नियत अपनी खालिस कर ले। आपको पता है कितने उलमा ऐसे थे जो जिन्होंने अपना सारा काम जैसे जेल में लोगों ने डाल दिया, उन्होंने जेल में कुरान पढ़ पढ़ के तफासीर लिख दी। एक आलिम का उस्ताजा ने हमको बताया था कि उनको उस जमाने में जब उनको पकड़ा गवर्नमेंट ने या जिन लोगों ने पकड़ा था उनको कुएं में डाल दिया, कुएं में कैद किया। सुभान अल्लाह, जैसे सेल नहीं होता जेल का, तो उन्होंने कुएं में डाला और उनको सिर्फ इतनी इजाजत थी कि वो बोल सकते थे, तो उनके शागिर्द बाहर आ जाते थे कुएं के और उन्होंने बोल बोल के कितनी किताबें लिखवा दी। सुभान अल्लाह। और अगर हमारे जैसे होते तो कहते इस जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ, ये जगह गंदी है, ये है, मैं अकेली हूँ, और डिप्रेशन और एंजाइटी और गुस्सा और बेबसी। नहीं, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं इन चीजों में अपना दिमाग नहीं खपा सकती। आई नीड टू डू एज सुन एज पॉसिबल, यानी हर काम करना तेजी तेजी। सिर्फ ये सोच लें कि मैं अपनी जुबान के जरिए से क्या नेकी इस वक्त कर सकती हूँ। ओके, अब इस वक्त मेरी जुबान की नेकी नहीं तो मैं हाथों से कौन सी नेकी कर सकती हूँ, अपने जेस्चर से कौन सी नेकी कर सकती हूँ, अपनी लिखाई से कैसे नेकी कर सकती हूँ। और कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, गौर फिक्र करें, अल्लाह सुबहाना तला को पुकारें, अल्लाह तला से बातें करें, अल्लाह तला से पूछें, अल्लाह सुबहाना तआला आपको क्या चीज अच्छी लगती है मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, मुझसे करवा ले। अल्लाह मुस्तकदिमनी वला तस्तबदिलनी, अल्लाह सुबहाना तआला मुझसे खिदमत ले ले और मुझे बदलना ना अल्लाह तआला। ये ना कि मुझे हटा के किसी और से खिदमत ले, मुझसे खिदमत ले ले अपने दीन की। और उसके लिए, इन सारी चीजों के लिए मेरी प्यारी बहनों, एक सुई बहुत चाहिए। फोकस, गिव योर सेल्फ अ लिटल टाइम, डोंट स्टे इन द पब्लिक ऑल द टाइम। लाइक हर वक्त सोशलाइजेशन करना, हर वक्त कीलो काल करना, इसने कहा उसने कहा इसने कहा उसने कहा, लोगों को डिस्कस करना, हालात को डिस्कस करना, और फिर जब लोगों से हटना तो फिर टेलीफोन के ऊपर उस दुनिया में चले जाना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर, और उधर भी कोई मकसद मतलब नहीं है, बस एक ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप देखना। अगर कोई मकसद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर कोई मकसद नहीं है
तो फिर अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे लोग अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं लेकिन कभी उसके अंदर आने वाली किसी नेकी की बात को पढ़ते नहीं है, बस वीडियोस को देखते हैं और कितनी अच्छी बातें गुजर जाती हैं लेकिन उनके ऊपर गौर फिक्र नहीं कर रहे होते। तो नजर अपनी ऐसी अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह मेरे दिल को वो ऐनक लगा दे जो नेकियों को फौरन पहचान जाए, फौरन डिटेक्ट करे नेकी को और उसको जल्दी से कर ले, इंतजार ना करे। और जब भी कोई जिंदगी में परेशानी और मुसीबत आए तो हमेशा ये याद रखें कि मुझे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा मैं ये भी बताऊंगी कि उस बच्ची की अम्मी का बताती हूँ, मेरी बहन जो है, मेरी नन जो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह कि जब उससे बात हुई है, दूसरे दिन बात की मेरे हस्बैंड ने कि हौसला नहीं पड़ रहा था उससे बात करने का, लेकिन जब की तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना तआला ने मेरे दिल को पकड़ा हुआ, मेरे दिल को सबर दे दिया, मुझे नहीं पता कि ये सबर कैसे मुझे मिला है। यानी अब आपकी एक ही बेटी हो, बड़ी बेटी, जवान हो और हर वक्त का साथ हो आपका उसके साथ, और इतनी रौनक वाली बच्ची कि हर वक्त सबको खुश रखती थी, तो अगर वो जिंदगी में से चली जाए तो आपको कैसे फील हो। लेकिन उस वो क्या कह रही थी, अल्लाह सुबहाना तआला ने मुझे सबर दिया, अल्लाह ने मेरे हस्बैंड को भी सबर दिए, हमें नहीं पता कि ये सबर किधर से आया पर अल्लाह सुबहाना तआला उसकी चीज थी वो ले गया। तो ये चीज जो है, आप ये देखें ना, ये सोच लें कि हर मुसीबत और परेशानी गुजर जानी है, हमने ये सोचना है हमारा क्या बनेगा। वो बच्ची ईमान की हालत में चलेगी, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छे गुमान, अच्छी आ, आ, उसके बारे में बात हो रही है, ये बहुत बड़ी निशानी है। और पीछे माँ बाप का सब्र बहुत बड़ी निशानी। लोग पता क्या करते हैं, जब कोई रोता नहीं है या उस तरह बेचैनी नहीं दिखाता तो कहते हैं आय हाय कोई नहीं, अभी तो इसको समझ ही नहीं आ रही, अभी लोग बैठे हुए हैं और इसलिए नहीं रो रही, ऐसे कि जैसे अब ये शर्मिंदगी की बात है कि ये नहीं रो रही। ये तो काबिले तारीफ बात है, ये तो काबिले रश्क तारीफ वाली बात है कि वो अल्लाह पर भरोसा कर रही है, वो अल्लाह ताला से राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, उसको समझ है, वो समझ रही है कि ये अल्लाह सुबहाना ताला ने मेरे ऊपर इम्तहान डाला है और मैंने इसमें सबर करना है। तो हर चीज गुजर जाती है इस दुनिया में, हर तूफान आके गुजर जाता है, बड़ी से बड़ी आजमाइश आके गुजर जाती है, गुजर जाती है, और इंसान जिंदा रहता है जब तक उसकी जिंदगी है। तो भलाई और खैर इसी में कि अल्लाह ताला के फैसलों से राजी रहा जाए। और आप ये देखिए कि अल्लाह सुबहानहू ताला क्या करता है कि जब किसी के साथ खैर और भलाई का इरादा करता है तो उसको इस्तेमाल कर लेता है। इसका मतलब है अगर हम नेकी के काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें उस चीज में लगाया हुआ है, अल्लाह सुबहानहू ताला की तौफीक से हम लगे हुए हैं, ना तो करने वाले फख्र और गुरूर का शिकार हो, और जिनको जो नहीं कर सकते वो अल्लाह सुबहानहू ताला से तौफीक मांगे कि अल्लाह ही तौफीक देने वाला है। आई डोंट नो कि पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि इधर एक इंडियन एक्टर थे जो फिल्मों में काम करते थे लेकिन कनाडा आए और वो यहाँ आके फौत हुए, और आखिरी जिंदगी में उन्होंने सब कुछ फिल्में छोड़ के और उन्होंने कुरान की तफसीर पढ़ानी शुरू कर दी, वो हाफिज़े कुरान थे। तो जब उनका जनाजा हुआ तो हमारे इमाम साहब ने कहा कि यू नो व्हाट, व्हेन समवन डाइज यू डोंट लुक एट द लाइफ हाउ ही स्पेंट हिज लाइफ बट यू लुक एट हाउ ही डाइड, आपने ये देखना है वो किस अमल पे फौत हुआ है, अल्लाह सुबहानहू ताला ने उसको किस अमल के ऊपर इस दुनिया से उठाया, और वो क्या अमल था कि वो कुरान पढ़ा रहे थे और वो कुरान पढ़ रहे थे और उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी थी। हमें नहीं मालूम कि किसकी तौबा किस वक्त में अल्लाह सुबहाना ताला कबूल करता है और किस वक्त अपने दीन के कामों में लगा देता है, नेकियों के कामों में लगा देता है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी निशानी होती है। जो जिंदा है और जो गलत काम करें उसके बारे में अल्लाह सुबहाना ताला से अच्छा गुमान रखें, उनके लिए दुआएं करें, उनको अच्छी बातें बताएं, और खुद के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला तू मुझे अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर ले, नेकियों के लिए इस्तेमाल कर ले अल्लाह ताला। और तो हमारी कमाई इधर से कुछ होनी नहीं,
दुनिया जो कमाएंगे वो इधर ही छोड़ कर जाएंगे। दुनिया कमाना मना नहीं है, लेकिन दुनिया कमाते हुए आखिरत को भूल जाना मना है। दुनिया कमाते कमाते नेकियों के मौकों को जाया करना गुनाह है, गलत बात है और नासमझी की बात है और डेडली किस्म का ये मिस्टेक है। दुनिया को उतनी अहमियत दें। एक दफा मेरी बुक मुझे इनाम मिली थी और उसमें हमारे शेख ने लिखा था कि बेटे दुनिया के लिए उतना ही काम करो जितना दुनिया में रहना है और आखिरत के लिए उतना काम करो जितना आखिरत में रहना है। उस वक्त तो मुझे ये बात नहीं समझ आई, लेकिन बाद में जब मैं ये सोचती हूँ तो वाकई ये बात सच्ची है कि जब इस दुनिया में, यानी अभी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि छोटी सी जिंदगी थी और जिंदगी की शाम आ गई है, यानी जब बच्चे जवान हो जाए तो बस डन मामला आपका। यू नीड टू थिंक डीपली एंड वेरी सीरियसली कि हर बंदे को ऐसा सोचना चाहिए, जवान बूढ़े बच्चे को सबको, कि हमारा वक्त आने लगा है, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी स्टेज में आ जाती है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको और ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करें कि हमारे ज्यादा औकात किस काम में लग रहे हैं रही हैं, हमारे पैसे कहाँ लग रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत जिंदगी छोटी है। इंसान कहता है बस अभी तो मैं छोटा बच्चा था और अभी मैं बड़ा हो गया और अभी मैं बूढ़ा हो गया। छोटी सी जिंदगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी बहुत लंबी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सहाबी से क्या फरमाया था कि अपनी अपना बोझ हल्का कर लो, सफर बहुत लंबा है, घाटी बहुत दुश्वार गुजार है, और कमर कस लो, बहुत आगे का सफर जो है वो मुश्किल है। लेकिन इससे पहले कि वो सफर शुरू हो उसकी तैयारी अभी करनी है ना, आज ही कर लें, आज ही कर लें, आज अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल कर लें, अल्लाहुम्मा इस्तख्दिमनी वला तस्तब्दिलनी, अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तरदा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बख्श दे हमारे माँ बाप को, हमारे आबाओ अजदाद को, हमारी आने वाली नस्लों को, कयामत तक अल्लाह ताला दीन और ईमान पर साबित कदम रखे। या अल्लाह उनको कुरान की अहमियत, अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाह जलील कुरान रबिया कुलूबिना व नूरा सुदूरिना व जला अहज़ानिना व दहाबा हुमूमिना व गुमूमिना, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक को हमारे दिलों का नूर बना दे, दिलों की बहार बना दे अल्लाह सुब्हाना ताला, और इसकी रोशनी में हम जिंदगी गुजारें। रब्बना ला तजल मुसीबतना ना फी दीनिना, अल्लाह हमारे दीन में कोई मुसीबत ना डालना। दुनिया की मुसीबतें आनी जानी होती हैं लेकिन दीन और ईमान की मुसीबत बहुत बड़ी होती है। अल्लाह हमारे दीन में कोई मुसीबत ना आए, हमारे ईमान में कोई मुसीबत ना आए। वला तजाल दुनिया का बड़ा हम मिना, अल्लाह दुनिया को मेरा सबसे बड़ा हम और गम ना बनाना। या अल्लाह ये इस काबिल नहीं है कि इसको सबसे बड़ा हम और गम बनाया जा सके। वला मबलग इल्मेना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, अल्लाह सुबहाना ताला हमारे ऊपर किसी ऐसे को मुकर्रर ना करना, मुसल्लत ना करना जो हम पर रहम ना करे। रब्बना ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, बहुत गलतियां बहुत कोताहियां बहुत जुल्म हुए हमसे, या अल्लाह उन सबको बख्श दे, बख्श दे अल्लाह ताला, अगर तूने ना बख्शा तो हम किधर जाएंगे, तो खसारा उठाने वाले हो जाएंगे। रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब अन्नार, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दुनिया की सारी हसना दे, नेकियों की तौफीक, और हमारी औलाद को नेकियों की तौफीक, दीन और ईमान पर साबित कदमी, अपनी रजा के कामों में हमें मसरूफ कर दे अल्लाह सुब्हाना ताला, दुनिया में रिस्क के हलाल में फराखी अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा कि हम नेकियों में बिजी हो जाएं, हमारे दिमाग और दिल को अल्लाह ताला अपनी रहमत से सीधा रास्ता दिखा।
हमारे अमाल को दुरुस्त कर दे, हमारी नियतों को खालिस अपने लिए कर। अल्लाह ये सब हसना हमको चाहिए, और वो भी हसना जो हम इस वक्त मेंशन नहीं कर रहे और जो अल्लाह सुबहान तआला आपको पता है, वो सब हमको दे। व फिल आखिरत हसना, और अल्लाह सुबहान तआला आखिरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से उठाना, ईमान वालों में से उठाना, उन लोगों में से उठाना जिनके लिए तूने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनके लिए कोई खौफ और कोई हुज़न नहीं होगा। अल्लाह सुबहान तआला कयामत के दिन हमको सवारी पर बिठाना, सवारियां फराहम करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिलाना, अल्लाह तआला अपने अर्श के नीचे जगह देना, अल्लाह सबसे पहले जन्नत में जाने वालों में से करना, जहन्नम की आहट भी ना सुने हम, हमारे चेहरों को जहन्नम से दूर कर देना अल्लाह ताला, अपनी बख्शिश और रहमत और करम और अपने फजल के साथ हमें जन्नतुल फिरदौसुल आला में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखना, अल्लाह अपना दीदार नसीब करना, अल्लाह सुबहान तआला अपनी रिजवान से हमको नवाजना दुनिया और आखरत में, अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा, और ईमान के ऊपर उनको जमा दे अल्लाह सुबहान तआला, कुरान उनके दिल की बहार और नूर बना दे अल्लाह ताला, जिस रोशनी में वो इस दुनिया में चले, हमारी नस्लों में कोई भी काफिर और मुनाफिक ना पैदा हो, अल्लाह सुबहान तआला ईमान वाले पैदा करना, और हमें बख्श देना अल्लाह सुबहान तआला। बस आज आप लिखते हैं अल्लाह सुबहान तआला कि आपने उन लोगों में से हमको किया जिनको आपने बख्श दिया, अल्लाह सुबहान तआला आपकी रहमत आम है, मगफिरत आम है, अल्लाह सुबहान तआला बहुत जल्दी माफ करते हैं, बहुत जल्दी माफ करते हैं, हमारे गुनाह बहुत हो, आसमान तक पहाड़ों जितने समंदर की झाग जितने हो, आप छोटे छोटे अमल भी हमारे गुनाह को माफ दो, हमें बख्श दे सुबहान तआला, माफ कर दे हमारी गलतियों और कोताहियों को, हमारी नाफरमानियों को, हमारी हद से बढ़ने को आसानियां कर दे इस दुनिया में, हमारे लिए नेकियां आसान कर दे, गुनाहों को मुश्किल बना दे, नामुमकिन बना दे, हमारा दिल उनकी तरफ रागब ना हो, हमारा दिल नेकियों में लगे, आपकी पसंदीदा चीजों में लगे, अल्लाह सुभान व तआला हमें बख्श दे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब النار, आमीन आमीन आमीन। बारक अल्लाह फीकुम, अल्लाह सुबहान तआला आप सबकी दुआएं कबूल करे, आसानियां करे, अल्लाह सुबहान तआला आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन दुनिया में अजर लिखते, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, बारक अल्लाह फीकुम जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आमीन आमीन आमीन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकात, बहुत बहुत सारी दुआएं कीजिएगा अल्लाह सुबहान तआला से, आमीन। आपकी सारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।